सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति दूत ऐप लॉगिन प्रॉब्लम के बारे में। सो अगर आपको भी यहाँ पर जो इस ऐप को यूज़ करना है, लेकिन जैसे आप इस ऐप के अंदर जाके लॉगिन में अपना फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पर OTP मंगाते हो, तो उस टाइम गाइस आपको एक एरर आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड एरर। सो अगर आपको एरर आ रहा है तो इसे आपको कैसे ठीक करना है, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, मैं इस तरीके इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे गाइस हमें क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेनी है। तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोन की सेटिंग्स को एक बार ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐप्स में आना है। ऐप्स में आ जाने के बाद यहाँ पे मैं मैनेज ऐप्स में आना होगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च ऐप्स में आ जाना है। अब गाइस जैसे आप सर्च ऐप्स में आ जाओगे, उसके बाद यहाँ पे गाइस हमें सर्च करना होगा जो हमारी यहाँ पर ऐप है नारी शक्ति दूत, हमें सर्च कर लेनी है। यहाँ पे देखिए नारी शक्ति दूत आ चुका है यहाँ पे गाइस। उसके बाद हमें स्टोरेज पे आना है। स्टोरेज पे आने के बाद क्लियर डेटा पे आके सबसे पहले क्लियर कैच कर देना होगा। क्लियर कैच करने के बाद आपको क्लियर ऑल डेटा भी कर देना है। लेकिन क्लियर ऑल डेटा करने से गाइस होगा क्या कि अगर आपने कोई फॉर्म पहले से भर रखा है तो उसमें गाइस वो आपका डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस हमें क्लियर ऑल डेटा करना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको एक बार कर लेना होगा। वैसे कुछ लोगों का क्लियर कैच करने से भी काम हो जाएगा, लेकिन बाय चांस अगर आपका नहीं होता तो आपको क्लियर ऑल डेटा करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अगर आपका ये काम आप करके देख लेना है, अगर ये काम आपका वर्क नहीं करता तो एक बार पावर बटन दबाइए, फ़ोन को रीबूट यानी कि रीस्टार्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइस जैसे आप इसे यहाँ पर रीस्टार्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है 110% जो है सॉल्व हो जाएगी। अगर बाय चांस फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, दोबारा आ जाती है, तो आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। देन यहाँ पे गाइस नारी शक्ति दूत ऐप आपको सर्च करनी है। यहाँ पे अगर अपडेट्स वगैरह तो अपडेट कर लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज अगर आपकी जो ऐप है आपने ऑलरेडी अपडेट कर रखी है, उसके बाद गाइज हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, आपको रेट दिस ऐप मिलता है। यहाँ पे आप कोई भी स्टार देके यहाँ पे आपको रेटिंग में लिख देना होगा जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद यहाँ से आपको इसे पोस्ट कर देना होगा, ठीक है। ये आपको गाइज जो रेट है अगर 2-3 बार आप कर सके तो आपको कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज इस तरह से आपको रेटिंग देनी होगी, और इसी तरह से जो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में तब तक था। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।